है प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ टेक्स्ट बुक के प्लेटफॉर्म पर। गणतंत्र दिवस की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। आज हम भारत की बात करते हैं और भारत को आम भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। भारत जिसकी शुरुआत संविधान से होती है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से होती है। जब इस संविधान को आप खोलते हैं ना, तो इसके पहले पेज पर ये दो शब्द दिखाई देते हैं, डेमोक्रेसी और रिपब्लिक। इनका मतलब क्या है? आपने बहुत सारी किताबों में बहुत सारी डेफिनेशंस इन दोनों वर्ड की समझने की कोशिश की होगी, लेकिन आज हम बात करेंगे आम भाषा में। तो देखिए, डेमोक्रेसी को कहा गया है रूल बाय मेजोरिटी, यानी कि जिसके पास मेजोरिटी होगी, जिसके पास बहुमत होगा, वही इस देश पे शासन करेगा। यानी कि आप समझ सकते हैं आज मेजोरिटी किसके पास है? बीजेपी के, तो बीजेपी ही इस देश पर शासन कर रही है। सेकंड है रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब है रूल बाय लॉ, लेकिन शासन कैसे होगा? कानून के द्वारा होगा। अब थोड़ा सा असमंजस हो गया होगा आपको, चलिए इसको एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों कुछ दिन पीछे चलते हैं, 2019 मान लेते हैं कि आज 2019 है, ठीक है। 2019 में मोदी जी की सरकार चुन के आती है, नई नवेली सरकार को मेजोरिटी मिलती है, ठीक है, और मेजोरिटी मिलने के बाद बीजेपी अपनी सरकार बना देती है। अब जब डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? रूल बाय मेजोरिटी, जिसके पास बहुमत होगा वो इस देश पे शासन करेगा। बस मोदी जी प्रधानमंत्री की गद्दी पर बैठते हैं और कहते हैं अब हम जो चाहे वो करेंगे, जिसको चाहे उसके पद से हटा देंगे, जिसको चाहेंगे पद पर बैठा देंगे, हमारी मर्जी चलेगी। ऐसा कर सकते हैं ना, क्योंकि स्पष्ट लिखा डेमोक्रेसी का मतलब क्या है, रूल बाय मेजोरिटी, जिसके पास बहुमत है वही शासन करेगा। लेकिन नहीं दोस्तों, यहां पर एक शब्द रिपब्लिक भी लिखा गया है। जैसे ही मोदी जी अपनी मनमर्जी में, ये नहीं कह रहा कि मोदी जी ऐसा करेंगे, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जैसे ही मोदी जी अपनी या देश का प्रधानमंत्री या देश की सरकार जिसके पास मेजोरिटी वो अपनी मनमर्जी करने लगे, तभी उसी समय जो देश के राष्ट्रपति हैं वो कहेंगे नहीं नहीं मैं यहां मोदी जी हैं तो मोदी जी के रेस्पेक्ट में कह रहा हूं, नहीं नहीं मोदी जी आप ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, आपके पास शक्ति है कि आप शासन कर सकते हैं, लेकिन आप शासन कानून के हिसाब से करेंगे, क्योंकि ये देश रिपब्लिक भी है और रिपब्लिक का मतलब है रूल बाय लॉ, यानी कि शासन कानून के हिसाब से किया जाएगा। तो मोदी जी कहेंगे कानून कहाँ लिखे हैं? तो कानून लिखे इस देश के संविधान के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी कि जैसे जैसे ये संविधान कहेगा सरकार को उसी तरीके से चलना होगा। तो डेमोक्रेसी का मतलब है रूल बाय मेजोरिटी, यानी जिसके पास बहुमत आएगा वो शासन तो करेगा, लेकिन शासन संविधान के हिसाब से करेगा, अपनी मनमर्जी कतई बिल्कुल नहीं चलाएगा। ये इस देश की खूबी है, खूबसूरती है दोस्तों, कि सरकारें बहुमत में तो आ जाती हैं लेकिन बंधी भी होती हैं, अपनी मनमर्जी नहीं चला सकती। आई थिंक इस वीडियो के माध्यम से जो इन्फॉर्मेशन मैं आप तक पहुंचाना चाह रहा था वो पहुंच गई होगी। जाने से पहले एक इन्फॉर्मेशन और देता हूं आपको रिगार्डिंग सुपर कोचिंग के निर्णय आयस बैच के बारे में। देखिए, निर्णय आयस एक सिंगल प्लेटफॉर्म है यूपीएससी 2024 के प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए। यहाँ पे डेली बेसिस पर एक्सपर्ट्स के द्वारा लाइव सेशंस होते हैं, ताकि आपके डाउट्स ना रहे और रिविजन होता रहे। इसके अलावा इंडिया के जो टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूशन है वहां पर पढ़ाने वाले एजुकेटर्स की प्री रिकॉर्डेड वीडियोस का कलेक्शन भी आपको प्रोवाइड किया जाता है। लगभग 8 ऑप्शनल सब्जेक्ट जैसे PSIR है, ज्योग्राफी है, एंथ्रोपोलॉजी है, हिस्ट्री है, हिंदी लिटरेचर है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशियोलॉजी और फिलोसफी जैसे सब्जेक्ट भी यहाँ पे कवर कराए जाते हैं। प्रिंटेड स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाएगा, यानी आप दर बदर नहीं भटकना पड़ेगा आपको स्टडी मटेरियल के लिए, नोट्स के लिए, कि कौन सी बुक पढ़नी है कि नहीं पढ़नी है। इसके अलावा आपका मेंटरशिप प्रोग्राम्स भी अवेलेबल है, जो मील का पत्थर साबित होता है आपकी प्रिपरेशन में। इसके अलावा मेंस की टेस्ट सीरीज और कॉपी ई वैल्यूएशन का फीचर भी दिया गया निर्णय आईएएस बैच के सब्सक्रिप्शन में। अब आप सोच रहे होंगे सब्सक्रिप्शन को कैसे लिया जाए, कि लिया जाए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया, उस लिंक पर क्लिक कीजिए, सिंपल से स्टेप्स को फॉलो कीजिए। और हाँ, अगर आप फीस में 25% का डिस्काउंट चाहते हैं ना, तो मेरे कूपन कोड आर शर्मा का इस्तेमाल कीजिए, लगभग आपको 25% का डिस्काउंट मिलेगा इस कोर्स में। इस कोर्स से अगर आपकी संबंधित कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, कोई शिकायत भी है, तो आप हमारे दिए गए नंबर 7400452383 पर कॉल कर सकते हैं। हमारी टीम को बेहद खुशी होगी आपकी मदद करते हुए। दोस्तों जाने से पहले एक रिक्वेस्ट और है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। हाँ, वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर कीजिएगा, ताकि मुझे एक मोटिवेशन मिल सके इस तरीके का कंटेंट बनाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार,
जय हिंद दोस्तों, आपको पुनः गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं।